इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है नोकिया C12 Pro का मोबाइल तो उसमें आप दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट कैसे आप दोस्तों सेट कर सकते हैं या फिर आप कैसे लगा सकते हैं। स्क्रीन टाइम आउट का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप स्क्रीन पर टच नहीं करें तो कितने देर के बाद आपका स्क्रीन बंद हो जाना चाहिए या लॉक हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप कैसे सेट करेंगे नोकिया C12 Pro में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको नोकिया C12 Pro मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले पर क्लिक करना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए आप यहाँ से स्क्रीन टाइम आउट सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 मिनट सेलेक्ट कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों अगर आप स्क्रीन पर टच नहीं करेंगे तो दोस्तों 1 मिनट तक तो आपका स्क्रीन ऑन रहेगा लेकिन 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 2 मिनट कर देंगे तो 2 मिनट तक ऑन रहेगा और 2 मिनट से ज़्यादा देर तक टच नहीं करेंगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट भी कर सकते हैं, और कम रखना है तो आप यहाँ से 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड या 15 सेकेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर दोस्तों यही होगा कि आपको 5 मिनट सेलेक्ट रखिए ताकि कम से कम 5 मिनट तक आपका स्क्रीन ऑन रहे, और अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर टच नहीं करें तो फिर आपका स्क्रीन बंद हो जाए। तो इस तरीके से आप दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट आप सेट कर सकते हैं नोकिया C12 Pro में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा।